इस सेशन में हम करने जा रहे हैं मास मार्केटिंग। ठीक है, मास मार्केटिंग का मतलब क्या है? मास का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? मीन्स बहुत बड़ा ग्रुप। ओके, बहुत बड़े पत्थर पर। डेफिनेशन भी देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर अ बिजनेस सेल इन टू द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट। जब कोई ऐसा हम मीडियम यूज करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो रही है, पता चल रहा है, तो हम उसे कहते हैं मास मार्केट। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है टेलीविजन। अगर एक सीरियल आता है कोई भी सास बहू का, तो वहां पे मैं अगर अपनी सोप की एड दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो बहुत सारे लोगों को एक टाइम में जा रही है। ज्यादातर लोग शाम को कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं, तो कौन बनेगा करोड़पति में जो एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज मास मार्केट। इसीलिए जो बहुत फेमस चैनल हो जाते हैं, जो बहुत फेमस टीवी सीरियल्स होते हैं, उनका जो एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट होता है वो उतना ही महंगा होता है। जितना ज्यादा किसी सीरियल की, किसी एपिसोड की टीआरपी ज्यादा होगी, उसे ज्यादा लोग देखते हैं, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट होगा वो उतना ही महंगा होगा। बिकॉज जितना ज्यादा मास, जितना लोग उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना, उस सीरियल को देख रहे हैं, तो वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो उससे ज्यादा होगा। दूसरी एग्जांपल न्यूज पेपर। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मास मार्केटिंग। आगे समझते हैं, मास मार्केटिंग क्या है? कि जब कंपनी डिसाइड कर रही है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, मैंने सेगमेंटेशन नहीं करना। अभी सेगमेंटेशन क्या हुआ था? हमने मार्केट सेगमेंटेशन किया था, जैसे उसमें एक पार्ट किया था हमने इनकम क्लासेस, ठीक है ना, कि अगर मैंने अपने डब की एड देनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मॉल में जाके दूंगा, क्योंकि वहां पे तीन क्लासेस जो है वो मेजोरिटी आ रही है, ठीक है ना, तो मैंने वहां पे मार्केट सेगमेंट कर दिया। ठीक है, हमने उससे पहले सेगमेंटेशन में जब पीजीआई की ली थी एग्जाम्पल, तब भी हमने मार्केट सेगमेंटेशन किया था। मीन्स हमने पूरी मार्केट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। बट मास मार्केटिंग में क्या है? वो तो सभी देख रहे हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति सारे देख रहे हैं। कोई एक टीवी सीरियल है वो किसी क्लास के हिसाब से तो नहीं होता, उसे लोअर क्लास भी देख रहे हैं, हाई क्लास भी देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, तो उसमें सेगमेंटेशन कोई नहीं है। तो मास मार्केट और सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट दोनों आपस के ऑपोजिट है। मास मार्केटिंग मीन्स हम किसी मार्केट में किसी को कुछ डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है ना, सभी को एक जैसा ही मैसेज दे रहे हैं। और मार्केट सेगमेंटेशन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही मैसेज दे रहे हैं। हम अगर एजुकेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं तो सिर्फ उन बच्चों को बताना चाह रहे हैं जो उन्होंने प्लस टू पास कर ली है। बीए के बारे में या बीएड के कोर्सेज के बारे में प्लस टू वाले बच्चों को बताएंगे, बट जब हम सभी को बता रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मास मार्केटिंग, क्योंकि उसमें तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है उस एडवर्टाइजमेंट को, उस नॉलेज को। तो ट्रेडिशनली मींस पहले मार्केटिंग कंपनीज होगी वो तीन ज्यादातर यूज करती थी, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज पेपर। तो इसमें सेगमेंटेशन नहीं है ना, कोई गाना सभी लोग यूज सुन रहे हैं तो मास मार्केटिंग है, टेलीविजन सभी देख रहे हैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट आई मास मार्केटिंग, न्यूज पेपर सभी लोग पढ़ रहे हैं, एलीट क्लास भी पढ़ रही है, लोअर क्लास में पढ़ रही है, तो सभी को चला गया, तो सेगमेंटेशन कुछ नहीं। बट क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा ये मास मार्केटिंग का सिर्फ चेंज होके अब क्या आ गया, हमारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, पहले तो नहीं थे, अब ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स सभी क्लासेस यूज कर रहे हैं, सभी एज ग्रुप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो
तो क्या हो गया, हमने मार्केट सेगमेंटेशन नहीं की, हमने मासेस को कर दिया. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मास मार्केटिंग. अभी आप लोगों के पास कई बार मैसेज आ रहा था, आपके पास रैंडम मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किस किस चीज के आते हैं, कोई भी बताओ, कभी मैसेज आया आपको, कोई मैसेज आता है? जैकपॉट ले लो, रिचार्ज करा लो, प्लॉट ले लो, LIC की इंश्योरेंस करा लो, टेलीकॉलिंग जो करते हैं वो क्या है, वो भी मास मार्केटिंग करते हैं. ठीक है, तो ये जो रिचार्ज करते हैं, ये आपको कहते हैं जी हमारे प्रोडक्ट से रिचार्ज कर लो, मैसेजेस को सभी को भेज देते हैं. ठीक है ना, 10,000 बंदों को, 1,00,000 लोगों को, सभी को मैसेज देते हैं. स्लिप होना जी हमें कॉन्टेक्ट कर लो, जॉब चाहिए जी हमें कॉन्टेक्ट कर लो. तो वो मास मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्लियर होगी आपको. अब रेडियो टेलीविजन के अलावा मेल्स बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना, कैटलॉग्स, ठीक है ना, इवन की जो हमारे बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं, जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स देखे हैं आप लोगों ने, वो क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मास मार्केटिंग. कि इस सड़क से जो भी कोई निकलेगा, बेशक वो साइकिल पे निकल रहा है, बेशक बच्चा निकल रहा है, बेशक इलिटरेट निकल रहा है, वो सभी होर्डिंग्स को देख रहे हैं, सभी को जा रहा है ना, सेगमेंटेशन तो नहीं है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मास मार्केटिंग. अब क्लियर हो गया मास मार्केटिंग क्या है, कि जब हम कोई भी अपने प्रोडक्ट की चीज बताते हैं किसी को और बहुत मासेस में बताते हैं, सेगमेंटेशन नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज मास मार्केटिंग. क्लियर, एनी डाउट्स? Thank you.